तो दोस्तों अब होने वाला है मेरा पेट कम और मैं हो जाऊंगा एकदम फिट, क्योंकि मैंने ले लिया है ऑनर का ये फिटनेस बैंड, ऑनर बैंड 4। इससे मैं अपनी फिटनेस एक्टिविटीज को, अपनी एक्सरसाइज को कर सकता हूँ मॉनिटर। तो आइए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अंश ब्लॉग्स। तो दोस्तों ऑनर का ये बैंड 4 हमें कुछ इस तरीके की पैकिंग में दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ऑनर बैंड की एक पिक लगी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे एमोलेड डिस्प्ले है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, साइंटिफिक स्लीप मॉनिटरिंग है और ये स्विम स्ट्रोक रिकॉग्नाइजेशन है। यहाँ पर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये ब्लू कलर का है और इसके MRP यहाँ पर लिखी हुई है 2999। बैक साइड में भी आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। तो आइए अब इसको खोलते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं ये कुछ पेपर्स, इसके वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, ऑनर बैंड 4 और ये इसका चार्जर चार्जिंग केबल के साथ। तो बैंड को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले हमें इसको करना पड़ेगा चार्ज। तो आइए पहले इसको थोड़ा चार्ज करते हैं और फिर देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। चार्जिंग के लिए लगाने का इसका एक तरीका है, यहाँ पर पीछे ही इसमें ये दिए हुए हैं 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट इस चार्जर में भी आप देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 निशान हैं, ये और ये, और इस चार्जर में भी ये 2 निशान हैं। इसको इसके साथ मैच कराते हुए ये इस तरीके से इसका चार्जर इस पर फिट हो जाता है। और अब हम इसको लगाएंगे पावर बैंक के साथ। तो दोस्तों चार्जिंग पे लगाने के बाद ये हमें बताता है इंस्टॉल Huawei हेल्थ ऑन योर फोन एंड पेयर विद योर बैंड। तो पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने फ़ोन पे वो ऐप और फिर करता हूँ इसको पेयर। Huawei की हेल्थ ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको स्टार्टिंग में ऑनर बैंड 4 का ऑप्शन नहीं दिखता है। ऐप को अपडेट करने के बाद ही आपको उसमें ये ऑनर बैंड 4 दिखाई देगा। इस बैंड में मिलता है आपको एमोलेड डिस्प्ले, इसके ऊपर ये स्क्रैच रेसिस्टेंट कर्व ग्लास लगा हुआ है, बट आई सजेस्ट कि इसके ऊपर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर ज़रूर लगाएं। इस बैंड में मिलती है हमें 14 दिन की बैटरी लाइफ, लेकिन अगर हम स्लीप मॉनिटरिंग ऑन करते हैं तो इसमें केवल 6 दिन का ही बैकअप आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको ये इसका डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है। और इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करके देखें तो हमें फिर नेक्स्ट मिलता है मैसेज का कॉलम, मैसेजेस, जिसमें आप अपने नोटिफिकेशंस जो भी आप ऑन करेंगे ऐप में वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा मोर पे सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग में जाके आप फेसेस, लाइक आप इसके जो है स्टार्टिंग के फेसेस चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट फेसेस है, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए तो वो अप्लाई हो जाता है। और इसके साथ ही आपको मिलेगा इसमें फाइंड फ़ोन, जिसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक म्यूज़िक सुनाई देगा अपने फ़ोन पर। उसके नीचे है टाइमर, स्टॉप वॉच, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में अगर आप देखेंगे तो ब्राइटनेस में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लोअर ब्राइटनेस इन नाइट। तो नाइट में आप इसको ऑन करके आपकी ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर आप अप एंड डाउन स्क्रॉल करके इसके डिफरेंट मेन्यूज पर जा सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट स्वाइप अगर आप करते हैं तो 1 स्टेप बैक जाएंगे। नीचे एक होम का बटन है, उसको क्लिक करने पर आप डायरेक्ट होम पर चले जाएंगे। तो अगर हम इसमें मोर की बात करें तो मोर में आपको फेसेस, फाइंड फोन, टाइमर, स्टॉप वॉच, ब्राइटनेस, रीसेट, रीस्टार्ट और पावर ऑफ जैसे बटन मिलेंगे।
पावर ऑफ अगर आप कर देते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको फिर चार्जिंग डॉक लगाकर ही इसको आप इसको ऑन कर पाएंगे। इसके बाद आपको मिलता है ये वर्कआउट का इसमें ऑप्शन, जहां पर आपको ये आउटडोर रन, इंडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर साइकिल, पूल स्विम और फ्री ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें आपको आउटडोर साइकिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आई होप कि ऑनर इसको नेक्स्ट फर्मवेयर अपडेट में इस इशू को सॉल्व करे। नेक्स्ट आपको मिलता है ये स्लीप डाटा रिकॉर्ड, कि आप कितने घंटे सोए हैं, कैसी आपने नींद ली है, गहरी नींद कितनी ली है, इस टाइप का डाटा। नेक्स्ट आता है इसका हार्ट रेट। हार्ट रेट में अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये मेज़र करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये हार्ट रेट चेक करके बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको अपना हार्ट रेट इससे मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाता है कि आज आपने कितने स्टेप्स चले हैं, जो भी आपने टारगेट इसमें सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने कितना उसको अचीव कर लिया है। देन अगेन इसकी होम स्क्रीन। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन इस ऑनर बैंड 4 के, और अब लगभग एक हफ्ता यूज़ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। कुछ इसमें लैग्स भी हैं, जैसे कि इसके मैसेजेस के सेक्शन में लैग है, क्लिक करने के काफ़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करता है। एक और इसमें ड्रॉबैक है, जो कि इसमें ऑन का बटन कहीं पर भी नहीं है। ये चाहते तो इस होम वाले बटन को ऑन का बटन बना सकते थे। तो अगर ये गलती से भी स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपको फिर चार्जिंग डॉक लगाकर इसको ऑन करना पड़ेगा। बाकी अगर अच्छाइयों की बात करें तो इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है हाथ में पहन के, और बीच बीच में रिमाइंड भी करता है कि हमें खड़े होकर कुछ एक्टिविटी करनी है, काफ़ी देर हो गई आपको बैठे हुए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खाली बैंड लेने से फिट नहीं होने वाले, एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।